ओफ, मुझे क्या पता था कि बड़ी अम्मी हमें यहाँ ले आएंगी। और तुम मॉल में बैठो ना, कौन सा कोई सड़क पे खड़े हो। इंतजार करो, आ रही हूँ मैं। तुम्हारा दोस्त ऐसा है नहीं जिसके साथ हमदर्दी की जाए। वो शादी तक कमरे में सोग मनाता रहेगा, तो तुम भी कमरे में रहोगे। 15 मिनट में मॉल पहुँचो। मुझे क्या पता कि क्या होने वाला है। मुझे तो अपनी जान की पड़ी है, अम्मी बहुत नाराज होंगी। वक्त तो है ही पागल, और मैं भी तुम्हारे साथ बातों में ऐसा लगी कि रास्ता ही भूल गई। और क्या जी 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 परवीन आंटी, नहीं हम एक दो दिन में आ जाएंगे। नहीं, मुझे क्यों मसला होगा आपकी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने से। जी अम्मी भी बिल्कुल ठीक है। चले, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। किससे बात कर रही थी अम्मी? वो परवीन आंटी थी, हमारी गली में नहीं रहती, जिन्होंने अपनी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहा था, वही थी। यकीन है तो ले ले, चेक चेक कर ले आप। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अपना सामान पैक करो, हम खाला के घर जा रहे हैं। जी जी